हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हालचाल है। बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और बच्चों ये चैप्टर जो है इसके अंदर मेनली हम बात करेंगे कि आखिर प्लांट वैरायटीज़ जो हैं वो कैसे डेवलप की जाती हैं जिससे फूड जो है उसमें एनहेंसमेंट, फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का इंडेक्स। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग के मेन स्टेप्स क्या क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और कौन कौन से क्रॉप जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडिया में डेवलप हुए, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, सिंगल सेल प्रोटीन, ग्रीन मैन्योर, एनर्जी क्रॉप, पेट्रो प्लांट्स और टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते बच्चों कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। तो बच्चों प्लांट ब्रीडिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के ट्रेट्स में कुछ डिजायरेबल चेंज लेके आते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस बाय विच डिजायरेबल चेंजेस आर कैरीड आउट इन प्लांट्स ट्रेट, क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं इसलिए प्लांट्स ट्रेट, टू मेक इट, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है बच्चों, तो हम प्लांट के ट्रेट्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जो इसे मोर यूजफुल बना देगा ह्यूमन के लिए। तो उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग। और ये टेक्निक जो है वो नई नई है, 9000 से 11000 साल पहले ही ह्यूमन जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर चुका था। बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो डिज़ायरेबल अच्छे प्लांट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाती है। और पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे वो जानते थे कि कौन सा क्रॉप जो है वो अच्छा यील्ड दे रहा है, कौन सा कम यील्ड दे रहा है, तो वो अच्छी क्रॉप को सेलेक्ट करते थे और उनसे क्रॉपिंग जो है वो करते थे। तो इस तरीके से क्लासिकल ब्रीडिंग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम, पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों कि न्यू मीन्स डिज़ायरेबल ट्रेट वाले गुड प्लांट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उनके बीच में क्रॉसिंग करवा के अच्छे अच्छे प्लांट्स बना लिए जाते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस जो है वो प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर यदि हम बात करें ट्रेट, तो ट्रेट हर वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो सकता है जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, ऐसे कैरेक्टर्स को हम ट्रेट बोलते हैं बच्चों। और प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाना ही क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बच्चों प्लांट ब्रीडिंग जो है उसके मेन स्टेप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहले मेन स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। बच्चों इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब कि किसी प्लांट के लिए जितने भी डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो विद इन कंट्री हो, चाहे वो एग्जॉटिक हो, चाहे वो वाइल्ड हो, चाहे वो कल्टिवेटेड हो, या इवन लेबोरेटरी में ही क्यों ना हो, तो ऐसे जितने भी वेराइटीज़ होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और बच्चों जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो है वो सीड की फॉर्म में हो सकता है, वो कोई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो सकता है, और इन्हें हम स्टोर करके रखते हैं लो टेम्परेचर पे और इसको यूज़ करते हैं क्रॉसिंग करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल जीन्स अवेलेबल इन पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जर्मप्लाज्म क्या होता है बच्चों, सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप एंड इट्स रिलेटेड स्पीसीज, इन सब का कलेक्शन जो है वही होता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन। फिर बच्चों जर्मप्लाज्म कलेक्ट करने के बाद में उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे बेटर सुटेबल पेरेंट्स को, यानी सेकंड स्टेप होता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स।
तो बच्चों इवेल्युएशन ऑफ सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स में से भी, क्योंकि हमने बहुत सारा जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है, तो उनमें से भी जो अच्छे प्लांट्स होंगे, जिनके अंदर डिजायर्ड ट्रेट्स होंगे, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। बच्चों ये सिलेक्शन जो है वो तीन टाइप से हो सकता है, मास सिलेक्शन हो सकता है, प्योर लाइन सिलेक्शन हो सकता है, और क्लोनल सिलेक्शन हो सकता है। मास सिलेक्शन का मतलब बच्चों जो ग्रुप है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें से जो डिजायरेबल हैं डायरेक्टली उनको सिलेक्ट कर लेना। प्योर लाइन में क्या होता है बच्चों, हम इनब्रीडिंग का करवाते हैं, जिससे कि जो डिजायरेबल ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, और उनमें से हम कुछ प्लांट जो होते हैं उनको एज पेरेंट सेलेक्ट करते हैं। और क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है बच्चों, कि हम क्लोन्स बनाते हैं। बच्चों क्लोन्स में भी कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, सोमा क्लोन वेरिएशन वगैरह, तो उनमें से क्लोन में से भी जो डिजायरेबल ट्रेट वाले क्लोन्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ पेरेंट। बच्चों पेरेंट की तरह यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक को मेल मान लेंगे, एक को फीमेल मान लेंगे, और उनके ऊपर टैगिंग कर देते हैं। और बच्चों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट हैं जो कि डिजायरेबल ट्रेट कंटेन कर रहे हैं, उनको क्रॉस करवाना। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के लिए टेक्निक जो होगी वो हमने जो जेनेटिक्स में पढ़ा था वही टेक्निक यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम इमेस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है बच्चों, ये इंट्रा वेराइटल होता है, कि एक ही वैरायटी के दो अच्छे प्लांट जो है उनके बीच में क्रॉस करवाना, या फिर इंटर वेराइटल का मतलब दो वैरायटी है जो कि सेम स्पीसीज की है, तो इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस भी बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस जो है वो भी करवाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज परफॉर्म बिटवीन टू प्लांट्स इट इज़ कॉल्ड सिंगल क्रॉस। और बच्चों क्या होता है कई बार कि दो प्लांट से क्रॉस करवाया, कुछ डिजायरेबल ट्रेट आ गए, फिर तीसरे प्लांट से क्रॉस करवाया उस ऑफस्प्रिंग का, तो इस तरीके से मल्टीपल क्रॉस भी हम करवा सकते हैं। और इसका एग्जांपल है C306 वीट वैरायटी ऑफ IR36 राइस वैरायटी, ये सब जो है वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाया गया है। ठीक है बच्चों, और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाइब्रिड डू कम्बाइन द डिजायरेबल ट्रेट, क्योंकि बच्चों ये जो ट्रेट मिक्स हो रहे हैं और डिजायरेबल ट्रेट आ रहे हैं, ये तो डिपेंड करता है चांस के ऊपर, क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ अच्छे ट्रेट हैं, दूसरे में कुछ अच्छे ट्रेट हैं, कुछ खराब ट्रेट भी हैं, तो मिक्सिंग होती रहेगी, तो कई बार हमें डिजायर प्लांट ऑप्टेन करने के लिए बहुत बार क्रॉस करवाना पड़ जाता है। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज़ मोस्ट टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करवाते हैं। अब इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। क्योंकि हमने क्रॉस करवा दिया, बार बार क्रॉस करवा दिया, तो अब प्रोजेनी जो है उसको हमें चेक करना होता है कि किसके अंदर वो डिजायरेबल ट्रेट्स आ गए हैं जो हम चाहते थे। इसीलिए इसको क्रूशियल स्टेप ऑफ फॉर द सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बच्चों। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो डिजायरेबल जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें जो डिजायरेबल ट्रेट वाले जिनमें सबसे ज़्यादा डिजायरेबल ट्रेट है उनको हम सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। और बच्चों ये क्या होंगे, पहले तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, इनको हम सेल्फिंग करवा के होमोजाइगोसिटी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो डेवलप करते हैं, ताकि हम इसे नेक्स्ट जब यूज़ करें तो उनके कैरेक्टर्स जो है वो प्रोजेनी में सेपरेट ना हो जाए। तो बच्चों सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है बच्चों वो है टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। तो बच्चों अब जो ऑफस्प्रिंग्स हमारी आई है उनको जो IARA होता है वो चेक करता है किसके लिए, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेटर है कि नहीं, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग के थ्रू प्लांट बना है इसकी प्रॉपर्टी जो करंटली कल्टिवेटिंग वैरायटी है उससे बेटर होनी चाहिए, तब ये पास होता है। और ICAR जो होता है वो इनके सीड को रिलीज़ करता है। तो इसके लिए इसको उगाया जाता है पहले कि इसमें पहले इनको रिसर्च फील्ड में उगाया जाता है और चेक किया जाता है इनका परफॉर्मेंस, कि अंडर आइडियल फर्टिलाइजर इरिगेशन इन सब में ये कैसा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, कितना रेजिस्टेंट है। फिर उसके बाद में यदि ये यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो इसे फार्मर्स फील्ड में उगाया जाता है एटलीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन। बच्चों चेक किया जाता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में कहीं इसके कैरेक्टर जो है वो सेपरेट तो नहीं हो जा रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है वो रिलीज़ कर देता है इसके सीड।
तो इस तरीके से बच्चों प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसके अंदर अराउंड 33% ऑफ जो जीडीपी जो होता है वो एग्रीकल्चर से आता है और अराउंड 62% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है। और बच्चों जब इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में फूड की डिमांड तो बहुत बढ़ गई थी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था, तो उस टाइम पर जो MS स्वामीनाथन है उन्होंने कुछ ऐसी वैरायटीज़ इंडिया में लेके आए और इंट्रोड्यूस की जिससे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। और जो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी मिड 1960s के अंदर, और इसको ही हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। बच्चों फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्मन ई बॉरलॉग को बोला जाता है, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बच्चों वो कौन है, वो है MS स्वामीनाथन। और 1960 से 2000 तक यदि हम बात करें बच्चों तो प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर जो वीट की प्रोडक्टिविटी है बच्चों वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक पहुंच गई, और राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन जो है वहाँ तक पहुंच गई। और बहुत सारी सेमीडॉर्फ वैरायटी जो है राइस और वीट की वो इंट्रोड्यूस हुई है। देखते हैं बच्चों कुछ वैरायटी के बारे में। सबसे पहले ड्वार्फ वीट वैरायटी की बात करते हैं बच्चों। ड्वार्फ वीट के लिए जो वैरायटी के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों उस जीन को का नाम है नोरिन 10 जीन। नोरिन 10 जीन जो है ये जापान में रिपोर्ट की गई थी और नॉर्मन ई बॉरलॉग ने इसे यूज़ करके जो सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट मेक्सिको में है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने वीट की कुछ वैरायटी डेवलप की थी। और बच्चों ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी ये रेजिस्टेंट थी लॉजिंग के लिए, कॉमन पैथोजन पेस्ट फोटो इनसेंसिटिव थी, फर्टिलाइजर्स इनके लिए अच्छा रिस्पॉन्स आता था, और ग्रोथ पीरियड जो है वो भी स्मॉल था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की थी। और बच्चों ये दो नाम आपको यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं कि सोनोरा 64 एंड लेरमा रोजो 64 जो है ये वैरायटी उन्होंने डेवलप की थी। और इंडिया में इस वैरायटी को MS स्वामीनाथन लेके आए और वहाँ और इसे चेंज किया गया गामा म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू, इन्होंने इसे चेंज किया और इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सुटेबल वैरायटी सोनालिका और कल्याण सोना जैसी वीट की ग्रोइंग वैरायटीज डेवलप की गई। बच्चों इसी तरीके से राइस की बात करते हैं तो ड्वार्फ राइस जो है उसकी जीन ड्वार्फिज्म के लिए जो जीन है वो है DGO वू जिन, और ये ताइवान में रिपोर्ट की गई और इसके इसको यूज़ करके जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी या ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई थी IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है वो IR8 एंड IR24 थी। ताइचिंग नेटिव वन वॉज डेवलप्ड इन ताइवान, और बच्चों इंडिया में इसको यूज़ करके बेटर यील्डिंग वैरायटी जो बनाई गई राइस की वो है जया एंड रत्ना वैरायटी। ठीक है बच्चों, तो ये राइस की ड्वार्फ राइस वैरायटी की बात हुई। शुगर केन की भी बात करते हैं बच्चों, तो शुगर केन जो है उसकी भी दो वैरायटी होती है, एक होती है सेकेरम बर्बेरी और एक होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो नोबल शुगर केन है जो कि साउथ इंडिया में उगता था। इसकी जो शुगर केन जो है उसका शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता था इस शुगर केन में, लेकिन ये लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव था या लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाता था, जबकि सेकेरम बर्बेरी जो है बच्चों वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए अडेप्टेड था। तो इन दोनों का क्रॉस करके एक ऐसी वैरायटी बनाई गई जो जिनके अंदर शुगर कंटेंट जो है वो हाई था और हाई यील्ड थिक स्टेम, और ये लो टेम्परेचर यानी नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में भी ग्रो कर सकती थी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मिलेट्स की बहुत सारी वैरायटी हाइब्रिड बाजरा ज्वार मेज ये सब भी डेवलप किया गया। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी जो है उसको वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में काउंट होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग, बच्चों डिजीज़ होता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो इसके अंदर जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो है होस्ट का जीनोटाइप, पैथोजन का जीनोटाइप और एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तीन फैक्टर काम कर रहे हैं। तो बच्चों हम यदि चाहते हैं कि इनमें से कोई फैक्टर जो है उसको चेंज करके हम प्लांट को बचा पाए, तो क्या हम होस्ट के जीनोटाइप को चेंज करके, क्या हम पैथोजन के जीनोटाइप को चेंज करके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? तो बच्चों पैथोजन इतने न्यूमरस होते हैं और उनके अंदर म्यूटेशन होते रहते हैं कि इसको चेंज करना बहुत ही टफ काम होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, होस्ट के जीनोटाइप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों होस्ट के जीनोटाइप को कंट्रोल करके डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, इसको ही हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम ये जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है ये कैसे कैसे बना सकते हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग
जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्लासिकल ब्रीडिंग करते हैं, हम उसके थ्रू बना सकते हैं। न्यू प्लांट जो है हम म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू बना सकते हैं बच्चों, म्यूटेशन ब्रीडिंग। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन के थ्रू भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो बच्चों ये मेथड होंगे किसके, जिसके थ्रू हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग वाला मेथड बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने पढ़ा, सुपीरियर प्लांट्स हम फाइंड आउट करेंगे जिनके अंदर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन होगी और उनकी क्रॉसिंग करवा के हम न्यू प्लांट बनाएंगे। म्यूटेशन में हम डिफरेंट म्यूटाजन लाइक EMS, MMS, गामा रेज, UV रेज, तो ऐसे सब म्यूटेशन जो है वो यूज़ करते हैं जो कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था। और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बायोटेक में आप पढ़ते हैं किस तरीके से हम जीन मैनिपुलेट करते हैं और डिजीज के लिए रेजिस्टेंट बना सकते हैं, जैसे BT कॉटन वगैरह हुए बच्चों। और सोमा क्लोन वेरिएशन, कई बार क्लोन जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उनको डिजीज के लिए रेजिस्टेंट बना सकते हैं, और वहाँ से हम प्लांट को सिलेक्ट करके डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जिनकी वैरायटी है रेजिस्टेंट टू डिजीज, जैसे वीट की वैरायटी हिमगिरी जो है वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट के लिए रेजिस्टेंट होती है। ब्रासिका की वैरायटी पूसा स्वर्णिम जो है वो वाइट रस्ट के लिए डिजीज रेजिस्टेंट होती है। कॉलीफ्लावर की पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये ब्लैक रोट और कर्ल ब्लाइट रोट एंड कर्ल ब्लाइट रोट डिजीज है उसके लिए रेजिस्टेंट होती है। काउपी की वैरायटी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, चिली की वैरायटी पूसा सदाबहार चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंट होती है। भिंडी की वैरायटी प्रभानी क्रांति ये येलो मोजेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रेंट ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग लाइक द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन कैन बी ओवरकम बाय दिस मेथड। यदि हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग की बात करें तो म्यूटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई वैरायटी बना सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट हो डिजीज के लिए। तो इस तरीके से म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो है वो सोमाक्लोन वेरिएशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज़ करते हैं। और इस मेथड को यूज़ करके मूंग बीन की वैरायटी जो है वो येलो मोज़ेक वायरस के रिलेटेड रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो डेवलप किया था म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू। और येलो रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस भिंडी जो है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस जो है उसके अंदर वाइल्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से, वो जो वाइल्ड वैरायटी थी एबेल मोस्कस मैनी हॉटलैंड, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम प्रभानी क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखा हमने कि कैसे हम प्लांट को डिजीज के लिए, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए यदि हम प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो बच्चों आखिर हमें समझना पड़ेगा कि क्यों वो पेस्ट जो है वो प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बच्चों वो प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इजीली उसको डैमेज कर पाते हैं। उनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट है या हॉलो है जिसे वो पेनिट्रेट कर पाते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारा नेक्टर है, प्लांट के अंदर जो अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है, लाइसिन वगैरह रिच है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और सरफेस स्मूथ या हेरी है, तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें तो हम प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजिकल कैरेक्टर्स में चेंज ला करके। ठीक है बच्चों, जैसे सॉलिड स्टेम की बात करें तो यदि सॉलिड स्टेम होता है वीट का ना, तो उसे स्टेम सॉफ्लाई जो है वो डैमेज नहीं कर पाता है। ऐसे ही स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन जो है वो बॉल वर्म के लिए रेजिस्टेंट होती है। लो नाइट्रोजन, लो शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड मेज जो होता है वो स्टेम बोरर के लिए रेजिस्टेंट होता है। बच्चों ऐसे ही कुछ वैरायटीज़ हम देखते हैं जो रेजिस्टेंट है किसके लिए, क्रॉप जो रेजिस्टेंट है डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए, जैसे ब्रासिका की वैरायटी पूसा गौरव एफिड के लिए रेजिस्टेंट होती है। ऐसे ही फ्लैट बीन का पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री जो होता है वो जैसिड एफिड और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट होता है। बच्चों ये दोनों जो हैं वो ब्रासिका के लिए, ये दोनों फ्लैट बीन के लिए पूसा सवानी और पूसा सेम थ्री, एंड ओकरा जो है पूसा A4 जो है वो शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट होता है।
बच्चों नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। बच्चों फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की प्रोसेस जो है उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना फूड प्रॉपर लेते हैं लेकिन स्टिल उनके अंदर कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होती हैं, और ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं बच्चों उसको बोलते हैं हम हिडन हंगर। क्यों? क्योंकि जो फूड है उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट जो है उनका अमाउंट कम होता है, तो इस कंडीशन में हिडन हंगर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे यदि हम बात करें कि जितना पॉपुलेशन है उसमें प्रोटीन का अमाउंट प्रॉपर नहीं है यदि, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वेजिटेबल फ्रूट लेग्यूम फिश मीट इनके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विटामिन प्रोटीन ये सब नहीं होगा तो उस केस में हिडन हंगर होगा। हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीज करवा सकते हैं, इनको क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायो फोर्टिफिकेशन, ताकि इसके अंदर ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट। ठीक है बच्चों, फैट का जो है क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन से प्रोटीन का कंटेंट क्वालिटी, ऑयल कंटेंट क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, ये सब कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत सारे वेजिटेबल, और वेजिटेबल्स हैं कैरेट है जिनकी वैरायटीज डेवलप हुई है IARI में, और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे सीरियल्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन लाइसिन, सीरियल जो होते हैं उनके अंदर लाइसिन कम होता है, ट्रिप्टोफैन कम होता है, तो इनको और सल्फर और कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक मेथियोनिन और सिस्टीन जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए ब्रीडिंग करवाएगी। इन 2000 मेज हाइब्रिड हैड ट्वाइस एज अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ऐसी वैरायटी डेवलप की गई थी मेज की वैरायटी। थ्री लाइसिन रिच मेज वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया, इसको हम बोलते हैं प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। ये तीन वैरायटी जो है वो मेज की वैरायटी जिसमें हाई कंटेंट था प्रोटीन का। ऐसे एटलास 66 जो होता है बच्चों इनके वीट की वैरायटी, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। IARI ने बनाया हुआ बहुत सारा वेजिटेबल लाइक विटामिन ए एनरिच्ड कॉटन, सॉरी विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, पम्पकिन, स्पिनच, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गॉर्ड, बथुआ, टोमेटो, मस्टर्ड, कैल्शियम एंड आयरन एनरिच्ड स्पिनच, बथुआ, प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन पी। तो ये सारी वैरायटीज जो है वो डेवलप की हुई है किसने, ये सारी वैरायटी डेवलप की हुई है IARI ने। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन। पहले बच्चों हम देख लेते हैं एक और भी पॉइंट, ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे फूड को टॉक्सिक बना देते हैं या हार्मफुल अनहेल्दी बनाते हैं, ऐसे कंटेंट को हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर इरुसिक एसिड का प्रेजेंट होना, जैसे जो बिटर गॉर्ड होता है उसके अंदर कुछ ऐसे ही केमिकल होते हैं मैग्डलिन वगैरह, तो इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से क्रॉप की वैल्यू जो है वो ख़राब होती है। तो ऐसे फैक्टर्स को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वो हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कर सकते हैं। और कैनोला होया ये सब जो ऑयल की वैरायटी है बच्चों, ये सब बनाया गया है किस प्रोसेस के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, जिसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।